हेलो फ्रेंड्स, डार्क टोस्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ऑस्ट्रेलियन हॉरर फिल्म ब्लडी हेल को। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है। फिल्म की शुरुआत में हमें फिनलैंड में घटी एक घटना दिखाई जाती है, जिसमें आलिया नाम की एक लेडी जंगल में कई आदमियों से भाग रही होती है। पता चलता है कि जो लोग आलिया का पीछा कर रहे हैं, वह असल में उसी के परिवार के सदस्य हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो झील में गिर जाती है, लेकिन उसके डूबने से पहले ही लोग उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद हमें एक बैंक का सीन दिखाया जाता है, जहां रेक्स नाम का एक आदमी एक निश्चित काम के लिए लाइन में इंतजार कर रहा है। यहाँ पर यह निश्चित नहीं होता है कि वह वहाँ क्यों है, लेकिन यह स्पष्ट है कि वह अपनी क्रश मेडी को देखने के लिए वहाँ पर है। जब रेक्स उससे बात कर रहा होता है, तो अचानक लुटेरों ने उनकी जगह पर हमला कर दिया। नतीजन बैंक के सुरक्षाकर्मी की डेथ हो जाती है, जिससे वहाँ की स्थिति पहले से ज्यादा तनावपूर्ण हो जाती है। रेक्स फिर एक महिला के बैग में एक बंदूक देखता है, लेकिन महिला कुछ कर नहीं सकती है क्योंकि यह जोखिम भरा है और इस तरह की डेंजर सिचुएशन में कार्य करने के लिए वह तैयार नहीं है। जब हर कोई खतरे में है, वहाँ रेक्स अचानक अजीब तरह से व्यवहार करता है, जहाँ ऐसा लगता है कि वह जल्दबाजी में कार्य ना करने के लिए अपने इमोशंस और अपने गुस्से को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, जहाँ बंदूक से भरा महिला का बैग अचानक फेंक दिया जाता है और रेक्स की गोद में आके लैंड होता है। उसके बाद सीन एक कोर्ट रूम में चला जाता है, बट यहाँ सुनिश्चित नहीं है कि क्या हुआ है। बट बैंक में सभी लुटेरों को मारने के लिए रेक्स पर अचानक जज द्वारा मुकदमा दायर किया जाता है। इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने उस घटना के दौरान कई लोगों की जान बचाई और उन्हें एक नायक के रूप में माना जाता है, लेकिन उसे अभी भी 8 साल जेल की सजा सुनाई गई है। 8 साल बाद हमें दिखाया गया है कि रेक्स जो जेल से रिहा हुआ है, एक मैगजीन को घूर रहा है, जिसमें उसके अपने चेहरे की तस्वीर है। कुछ समय के लिए मैगजीन में ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें आज भी एक नायक के रूप में माना जाता है, 8 साल पहले किए उसके वीर कार्य के लिए। रेक्स के जेल से छूटने के बाद वह घर नहीं जा रहा है, क्योंकि समाज उसे आज भी एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि इसकी बजाय उसे हमेशा घूरा जाता है और पत्रकारों द्वारा उसका पीछा किया जाता है, जिस वजह से उसे अनकंफर्टेबल फील होता है। और यह इस बात की ओर इशारा है कि उसकी अपनी प्राइवेसी या खुद का एक अलग पक्ष लोगों के बीच दिखाई देने लगा है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि उसका बदला हुआ ईगो खुद से ज़्यादा इमोशनल और एंग्री बिहेव का है। जैसे ही रेक्स को पता चलता है कि वह अब उनकी उपस्थिति को सहन नहीं कर सकता, वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और पूरे समूह में अपनी मेज को फेंक देता है। लेकिन वास्तव में यह सिर्फ उसकी कल्पना होती है, जो इमोशंस को रिलीज करने के रूप में काम कर रही है उसके वर्तमान तनाव के कारण। हालांकि रेक्स को व्यापक रूप से नायक के रूप में माना जाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो उसके वीर प्रयासों को पसंद नहीं करते हैं और उसे एक साइको के रूप में मानते हैं। रेक्स फिर अपने दोस्त को देखने जाता है और कहता है कि वह अब अपने जीवन से तंग आ चुका है, क्योंकि अब यह सामान्य नहीं रहा, क्योंकि बहुत से लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। नतीजन वह अंत में शहर छोड़ने का फैसला करता है और फिनलैंड चला जाता है। साथ ही जिस कारण से रेक्स फिनलैंड जाना चाहता है, वह बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता, क्योंकि जब वह जेल में था, उसने एक स्पिट बॉल शूट किया और वह ठीक फिनलैंड में उतरा। जिसके बाद सीन एक जंगल में चला जाता है, जिसमें कई लोग एक आदमी का पीछा करते हुए भागते हैं। आदमी का पीछा करने वाले लोग फिल्म की शुरुआत में देखे जाने वाले लोगों की तरह दिखते हैं। इसका मतलब है कि ये पूरी घटना फिनलैंड में होती है, जो रेक्स की अगली डेस्टिनी होगी। इसके बाद आदमी को एक स्ट्रॉन्ग क्रिएचर द्वारा जबरदस्ती खींच लिया जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा भयानक लगता है। यहाँ पर हम रेक्स को देखते हैं, जो कि पहले से ही हवाई अड्डे पर है, और हमेशा की तरह वहाँ एक आदमी होता है जो उसे फिल्म करने के लिए आया हुआ है। इसके अलावा रेक्स ने यह भी देखा कि एक पति और पत्नी है जो उस पर नज़र रख रहे हैं। जब चीज़ें फिर से बिगड़ने लगती हैं और लोग उसे फिल्माने लगते हैं, वह अधिक से अधिक नाराज़ हो जाता है और वह अंततः रेस्ट रूम में जाने का फैसला करता है। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि कपल का हस्बैंड पहले से ही उस रेस्ट रूम में है और रेक्स को घूर रहा है, जबकि वह बाथरूम में पेशाब कर रहा है। रेक्स वापस अपनी सीट पर आता है और वह लेडी उसे एक अजीब सी स्माइल देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेक्स जैसे ही फिनलैंड पहुंचता है, वहां जाकर के टैक्सी का इंतजार करता है और दूर से एक टैक्सी ड्राइवर उसे देख रहा होता है। टैक्सी ड्राइवर ने तुरंत एक कट मारा और टैक्सी लाइन के बीच से होते हुए ठीक उसके सामने आकर रुक जाता है। जब रेक्स अपनी टैक्सी में होता है, तब ड्राइवर एक अजीब गैस छोड़ता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें एक घर में एक परिवार रात का खाना बनाते हुए नजर आते हैं, और ये बिल्कुल भी अजीब या संदिग्ध नहीं लगता। इसके बाद एक सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम रेक्स को पहले से ही उनके घर में मौजूद देखते हैं, जिसे उन्होंने किडनैप कर लिया है और बेसमेंट में बांध दिया है। इस समय रेक्स के हाथ बंधे हुए हैं और उसका एक पैर काट दिया गया है। रेक्स, जिसने अभी अभी ये फील किया कि वो चीखने की कोशिश करता है, लेकिन किसी ने उसे रोक दिया। वहाँ पता चलता है कि वह व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि उसका विवेक या उसकी अंतरात्मा है, जो उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहती है।
इसके बाद उसकी विवेक या उसकी अंतरात्मा उसको रिप्रेजेंट करती है और चिल्लाकर अपने इमोशंस को वेस्ट करने से मना करती है। वास्तव में उसकी अंतरात्मा उससे कहीं ज़्यादा अधिक चालाक और समझदार प्रतीत होती है और वह रैक्स के जीवन और मृत्यु दोनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह किसी भी घटना की स्थिति का विश्लेषण कर सकते हैं जो रैक्स के साथ हो चुका है और जो वर्तमान में हो रहा है। अवलोकन पूरा करने के बाद उसकी अंतरात्मा ने यह निष्कर्ष निकाला कि अब उसके साथ जो भी घटना हुई है उसके अपराधी कोई और नहीं बल्कि एयरपोर्ट में मिले वो अजीबोगरीब पति पत्नी का जोड़ा है। इसके बाद जब रैक्स अपनी हालत से रो रहा है उसका विवेक इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहाँ से निकलने के तरीकों के बारे में सोचने लगता है। हालांकि उसके हाथों को बांधने वाले बंधन की ताकत के कारण उसका विवेक उसके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए अन्य योजनाएं बनाना चालू करता है। उसकी अंतरात्मा के अनुसार अगर अपराधी अचानक से उसके सामने आ जाए तो उसे सिर्फ बेहोश होने का नाटक करना चाहिए। इस बीच परिवार के सभी सदस्य ऊपर सो चुके हैं लेकिन परिवार में सबसे छोटा बच्चा जिसका नाम ओलिवी है अभी तक नहीं सोया है और वह अपने शिकार के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। इस समय रैक्स जिसके पास अभी तक रस्सी को खोलने के लिए पर्याप्त समय नहीं है अपने दांतों से ऐसा करने की कोशिश करता है। दूसरी ओर छोटा लड़का तहखाने में जाने का फैसला करता है जहां पर रैक्स को रखा गया है। हालांकि रैक्स का खुद को छुड़ाने का प्रयास व्यर्थ है क्योंकि वह रस्सी बहुत ज़्यादा मोटी है। युवा लड़का कमरे में जैसे ही एंटर करता है रैक्स तुरंत बेहोश होने का नाटक करता है। रैक्स को तब पता चलता है कि जो व्यक्ति अंदर आया है वो कोई और नहीं सिर्फ एक छोटा सा बच्चा है। इसलिए वह एक योजना बनाता है जो बच्चे को उस जगह से बाहर निकालने के लिए एक बीमा पॉलिसी के रूप में काम करेगी। वह अपने कटे हुए पैर से लात मारने से पहले ओलिव को मनाने की कोशिश करता है और उसे अपनी दोनों जांघों से फंसा लेता है। थोड़ी देर बाद उसकी बहन को पता चलता है कि उसका छोटा भाई बिस्तर पर नहीं है इसलिए वह तहखाने में उसकी तलाश करने का फैसला करती है। परिणाम यह निकलता है कि इस महिला का नाम आलिया है और यह वह युवा लड़की है जो पहले ही कई पुरुषों से दूर भागने की कोशिश कर चुकी है। बताती है कि यह उसका परिवार है जिसने इस समय रैक्स को किडनैप कर रखा है। इस पॉइंट पर रैक्स आलिया को धमकी देता है कि अगर उसने उसको कुछ करा तो वो उसके छोटे भाई की गर्दन तोड़ देगा। क्योंकि रैक्स अपनी सुरक्षा के लिए उसके बारे में बहुत घबराया हुआ है उसने गलती से ओलिवी को जाने दिया जिससे वहां से निकलने की जो अपनी गारंटी थी वो उसे खोनी पड़ी। जब ओलिवी कमरे में बेहोश पाई जाती है तो साइको परिवार उसे अस्पताल ले जाता है। इसके बाद आलिया की माँ उसको थप्पड़ मारती है क्योंकि उसे लगा कि आलिया ने उसके छोटे भाई को चोट पहुँचाई है। इस बिंदु पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आलिया का अपने परिवार की तुलना में एक अलग स्वभाव है और वह एक हो सकती है रैक्स के साथ। रैक्स के लिए वहाँ से निकलने का शानदार मौका है। मौका तब और बढ़ जाता है जब आलिया अचानक मुस्कुराती है और कल्पना करती है कि उसने रैक्स से शादी की है जिसका अर्थ है कि वह पहली नज़र में रैक्स के प्रति आकर्षित है। क्योंकि उसका परिवार अस्पताल में है आलिया तुरंत रैक्स को देखने और उसके पैर का इलाज करने के लिए नीचे जाती है। आलिया फिर रैक्स को अपनी इमोशंस का इजहार करती है। यहाँ इस बिंदु पर वह कहानी बताना शुरू करती है कि कैसे उसके परिवार ने लोगों का किडनैप करना शुरू कर दिया और उन्हें अपने बड़े भाई के लिए भोजन के रूप में बनाना शुरू कर दिया। उसने कई बार अपने परिवार से दूर भागने की कोशिश की थी लेकिन वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाई। वह लोग आलिया को तब तक ट्रैक करने के लिए सक्षम है जब तक कि वह उसे पिता द्वारा बनाए गए लकड़ी के पिंजरे में कैद नहीं कर देते। कहानी सुनाने के बाद आलिया को रैक्स पर दया आने लगती है और वह चाकू को फर्श पर छोड़ देती है। वह रैक्स को चाकू खुद से लेने के लिए कहती है लेकिन जब रैक्स इसे पाने का प्रबंध करता है और कोशिश करता है कि वह रस्सी को काट दे इतने में ही आलिया के तीनों भाई अचानक से उसके सामने आ जाते हैं और रैक्स को तुरंत मारने का इरादा करते हैं। रैक्स फिर तुरंत बेहोश होने का दिखावा करता है और उसकी यह योजना सफल हो जाती है क्योंकि उसके भाइयों ने इसे मारने का इरादा रद्द कर दिया। इस बीच यहाँ पर उसके व्यक्तिगत विवेक को दिखाया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और वास्तव में उन सभी का जीवन समाप्त कर देना चाहता है। हम जल्द ही देखेंगे और जानेंगे कि क्यों इस नरभक्षी के परिवार ने एक गलत आदमी को किडनैप किया है। इसके बाद वह रैक्स के पैर को नोटिस करते हैं जिस पर पहले से ही पट्टी बंधी हुई थी और वह तुरंत आलिया को उसके कमरे में ढूंढते हैं लेकिन आलिया तहखाने में छिपने के लिए जा रही होती है और अचानक उसका भाई वहाँ वापस आता है और उसे ऊपर ले जाता है। उसके बाद रैक्स को कुछ तरल इंजेक्शन दिया जाता है जिससे वह अचानक हंस पड़ता है। फिर हमें 8 साल पहले वापस ले जाया जाता है जब रैक्स ने बैंक में लुटेरों से लड़ाई लड़ी थी। हम अंत में देखते हैं कि रैक्स कितना ज़्यादा क्रूर था जब उसने सभी लुटेरों को मार डाला। वहाँ देखा जा सकता है कि उस समय उसकी अंतरात्मा उसके बस में नहीं थी और इतनी क्रूरता के साथ वह वहाँ आने वाले सभी दर्शकों के लिए हीरो बनने में कामयाब रहा। अंत में जब रैक्स ने अपनी प्रेमी को बचाने की कोशिश की तो लुटेरों को इस बात से डर लगने लगा कि रैक्स को परवाह नहीं थी कि वहाँ कौन मरने वाला है। मैडी के रिहा होने के बाद रैक्स ने फिर ईगो में आकर
लुटेरे को गोली मार दी और लुटेरे के हथियार ने गलती से एक अलमारी में गोली मार दी। दुर्भाग्य वाली बात तब हुई जब अलमारी के अंदर छिपे एक कर्मचारी को गोली लगने से मौत हो गई। यही कारण है कि रैक्स की वजह से एक निर्दोष के बलिदान देना पड़ा, जिसके लिए उसे 8 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा चूंकि रैक्स की सजा बहुत लंबी थी, मैडी जिसे रैक्स ने बचाया था उसने अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया क्योंकि वह उसे और बर्बाद करना नहीं चाहती थी। हम फिर रैक्स के पास लौटते हैं। जब उसे होश आता है उसने देखा कि उसका पैर उस समय साइको द्वारा काटा जा रहा है और वह साइको को लात मारता है, जिसके कारण साइको एनेस्थेटिक लेने के लिए दौड़ पड़ता है। वहीं रैक्स आलिया के चाकू से उस रस्सी को काटने की कोशिश करता है जिससे उसके हाथ बंधे हुए हैं। जब वह आदमी उसके पास लौटता है तो रैक्स ने जल्दी से वही चाकू उसके कान में डाल दिया बिना समय बर्बाद किए। रैक्स अब बचने के लिए आवश्यक कुछ उपकरणों और हथियारों की तलाश में है। सौभाग्य से उसे कुछ उपकरण मिल जाता है जो उसे अगले सीन में मदद करेंगे। रैक्स टॉप फ्लोर पर जाने की कोशिश करता है, जिसके लिए वह गोल्फ स्टिक का सहारा लेता है जिसे वह अपने पैर से बांध लेता है। बेसमेंट से बाहर निकलने में कामयाब होने के बाद उसकी अंतरात्मा उसे आलिया को बाहर लाने के लिए कहती है। जब वे दोनों माता पिता अस्पताल से घर वापस आए तो वह अपने घर के सामने खून के धब्बे देखकर हैरान हो गए। इस समय यह पता चलता है कि उनका बच्चा अभी सो रहा है। उनके माता पिता उन्हें इकट्ठा करते हैं और रैक्स को भागने देने के लिए उन्हें डांटते हैं। रैक्स के पुलिस के साथ वापस आने के डर से उन्होंने घर से बाहर निकलने की योजना बनाई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनकी योजना विफल हो जाएगी। यहाँ पता चलता है कि रैक्स टेबल के नीचे उनका इंतजार कर रहा है और वह उन्हें एक एक करके उस नेल गन से मार डालता है। जैसे ही रैक्स उसकी माँ को गोली मारने की कोशिश करता है, नेल गन की गोलियाँ निकल जाती हैं और वह कटे हुए पैर से जुड़ी हुई उस गोल्फ स्टिक से उसकी माँ के सर पे मारता है। जब उसका बेटा घटना को देखता है तो वह रैक्स पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रैक्स जल्दी से उसके शरीर में चाकू भोंक देता है। आलिया फिर अपनी ही माँ को मार देती है जो अभी अभी उठी थी बेहोशी से। इस भीषण घटना के बाद पता चलता है कि वह अभी भी मुक्त नहीं है क्योंकि उन्हें अभी भी आलिया के सबसे बड़े नरभक्षी भाई का सामना करना है। उसका भाई अंत में प्रकट होता है एक राक्षस की तरह अपने बड़े शरीर के साथ सीढ़ियों से नीचे आते हुए। अंत में रैक्स और नरभक्षी एक दूसरे से लड़ते हैं और रैक्स रेफ्रिजरेटर का दरवाजा पकड़ लेता है उसे चिपके रहने के लिए। वह देखता है कि उसका दाहिना पैर का एक टुकड़ा उसी रेफ्रिजरेटर के अंदर है। वह खुश दिखता है क्योंकि यह पता चलता है कि उसका दाहिना पैर अभी भी नरभक्षी द्वारा खाया नहीं गया है। वह फिर अपना दाहिना पैर लेता है और तुरंत उसे नरभक्षी के मुंह में डाल देता है। सब खत्म होने के बाद रैक्स आलिया को वापस अमेरिका ले जाता है जहां वह साथ रहने का फैसला करते हैं। एक रात रैक्स और आलिया अपने दोस्त के साथ एक जगह घूमते दिखाई देते हैं। उनमें से एक दोस्त को रैक्स में दिलचस्पी लगती है, जिससे आलिया को जलन होती है। इससे यह पता चलता है कि आलिया भी रैक्स की तरह ही गुस्से वाले स्वभाव की है। वह उस महिला को मारने की कल्पना करती है, जिससे यह पता चलता है कि यह दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इसी बीच दूसरी जगह आलिया के परिवार का छोटा बच्चा जो ठीक हो गया है, वह अब अपने परिवार की मौत का बदला लेने का इरादा करता है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि इसकी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी।